हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आर के ब्लूटूथ रिपेयरिंग आज हमारे पास है एप्पल का एयरपोर्ट्स प्रो जिसका एक साइड का काम नहीं कर रहा है आज हमें उसे रिपेयर करना है सबसे पहले हम इसे कटिंग ब्लेड की मदद से खोल देंगे जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर ये हमने एयरपोर्ट्स को खोल दिया है इसका दिख रहा है एक वायर छुटा हुआ है तो हमें इसका वायर ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले सर्किट बाहर निकालना रहेगा और सर्किट को बाहर निकालने के लिए हमें सबसे वायर छुड़ाने पड़ेंगे ये बैटरी के वायर अलग हो गए ये वायर स्पीकर के अलग हो गए और बच्चा इसके अंदर सेंसर वायर सेंसर वायर भी अलग हो गया अब हम इसका सर्किट निकालेंगे सर्किट ध्यान से निकालेंगे जिससे इसे स्क्रैच ना आए या आईसी उड ना जाए इसका कोई भी हम देख सकते हैं इसका पूरा जंपर मारना पड़ेगा पूरा का पूरा सॉकेट उखड़ा हुआ है इसका जहाँ सोल्डिंग मारते हैं पूरा ब्लैक हो गया है नहीं तो यहाँ पे एक स्लोर कर का पेपर रहता है जिसमें हम सोल्डिंग मारते हैं यहाँ से उखड़ा हुआ था अब हम उसको निकाल देंगे जिससे हमें वापस इस पर सोल्डिंग मारना है तो इसके लिए इसका जो सोलर प्लेट है वो बाहर निकाल दे रहे हैं अब सबसे सब पहले वहाँ पे जहाँ पे सोल्डिंग मारना है वहाँ पे थोड़ा स्क्रैच मार देंगे जिससे वो जो वायर है वो हमें क्लियर दिखते रहे अभी हमने स्क्रैच मार दिया है अभी हम उस पर सोल्डिंग मारते हैं जिससे हम बाद में मारने में आसानी हो फ्रेंड्स स्क्रेच ध्यान से मारना है नहीं तो फिर ज़्यादा मारा जाएगा तो उसका सॉकेट उखड़ जाएगा वापस तो हमें वापस अलग पॉइंट लेना पड़ेगा मारने के लिए इस फोटो में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ हमें क्या मारना है जिसमें जो स्पीकर पॉइंट और सोल्डिंग पॉइंट दोनों लिखा हुआ है अब हमें सोल्डिंग मारना है हमने स्क्रैच मार दिया था जहाँ वो सोल्डिंग पॉइंट था उसी पे हमें रख के सोल्डिंग को मार देना है ये हमारा स्पीकर का वायर इस पर ज्वाइंट हो जाएगा ये हमारा स्पीकर का वायर ज्वाइंट हो गया इसको बोलते हैं जम्पर अभी हमें प्लास्टिक का ग्लू लेने का है जिससे सोल्डिंग में आयरन से उसको हीट करके मेल्ट करना है और उसके बाद उसी पर लगा देना है जिससे ये मजबूत हो जाए ये ग्लू गम है ये प्लास्टिक का रबड़ रहता है जिससे हम मेल्ट करके उसको हम लगा देंगे जिससे वापस से ड्राई होने के बाद एकदम हार्ड हो जाएगा बचा हुआ ग्लू हमें वापस निकाल लेना है नहीं तो फिर वो अंदर नहीं जाएगा डब्बी के अभी हम लाइटर से उसको थोड़ा हीट कर देंगे जिससे ये अच्छे से फैल जाए और एकदम प्रॉपर हर जगह पकड़ ले इसे हल्का हल्का करना नहीं तो वायर जल जाएंगे इसके खाली उसे हीट देना है बड़े ध्यान से हमें इसको इसके अंदर डालना है ये ध्यान रखना है कि सेंसर किधर रहेगा सेंसर का यहाँ पे अलग से पॉइंट दिया बना बना हुआ रहता है इसका हमें वायर नहीं टूटने देना है एकदम आराम से इसको अंदर डालना है जिसके सारे वायर इसके बाहर निकल जाए उसके बाद हमें वापस प्रेस करना है एक बार हम इसे खोल के देख लेते हैं कि वायर कौन सा किधर ज्वाइंड हुआ था हम देख सकते हैं इसके अंदर प्लस लाल वाला प्लस है ब्लैक वाला माइनस है और येलो वाला सेंसर का है और बाकी दो ब्लू ब्लू, ब्लू बचे वो स्पीकर के हैं कर दिया है। हमें मालूम पड़ गया वायर कौन सा कहाँ ज्वाइंट होगा इसे कटर की मदद से इसे काट लेना है और कटर से नहीं कटेगा इसे लाइटर से फिर जला देना जिससे वायर छूट जाएगा सोल्डिंग वायर से वापस सोल्डिंग करना है जिससे हमें मारने के टाइम पर आसानी हो रेड वाला प्लस है ब्लैक वाला माइनस है हमने बैटरी के वायर ज्वाइन कर दिया है अब हमें ज्वाइन करना है स्पीकर का सेंसर का और ये ग्रीन वाला सेंसर का वायर है ये हमने सेंसर का वायर ज्वाइन कर दिया है अब हमें खाली स्पीकर के वायर ज्वाइन करने हैं स्पीकर का पॉजिटिव वायर हमने ज्वाइन कर दिया है अब हमें स्पीकर का नेगेटिव वायर ज्वाइन करना है अब हमें इसे असेंबल करना है हम देख सकते इस पर कहीं भी स्क्रैचेस आए नहीं है मालूम भी नहीं पड़ेगा किसी को कि हमने इसे रिपेयर किया है ये हमारा चालू हो गया है हमने इसे चेक कर लिया है अब हम इसे डब्बे में पैक करके वापस रख देंगे और जिसका था रिपेयरिंग का हम उसे दे देंगे वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आप भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो